टीवी एक्ट्रेस रुबीना दिलक की साल 2024 की जर्नी बहुत ही खूबसूरत तरीके से शुरू हुई है। हाल ही में ट्विंस बेबी गर्ल की माता पिता बनी रुबीना दिलक और उनके पति अभिनव शुक्ला ने पहले आउटिंग की तस्वीरें फैंस के साथ शेयर की है, जिनमें आप देख सकते हैं कि अभिनव और रुबीना दोनों ही अपने ट्विंस बेबीज को निहारते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि स्टाइलिश मम्मा रुबीना दिलक ब्लैक कलर के आउटफिट में सनग्लासेस के साथ अपनी बीवी को पकड़ती हुई कैमरे की ओर देखकर पोज देती हुई भी नजर आ रही है। इन सारी तस्वीरों को शेयर करते हुए रुबीना दिलक ने एक प्यारा सा कैप्शन भी दिया था। उन्होंने लिखा था, न्यू बिगिनिंग्स न्यू जर्नी वेलकमिंग 2024 एज अ फैमिली ऑफ फोर। रुबीना की ये सारी तस्वीरें सामने आती ही फैंस लेके सेलिब्रिटीज भी कमेंट्स के जरिए उनके ट्विंस बेबी गर्ल के ऊपर अपना प्यार बरसा रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आखिरकार टीवी की खूबसूरत एक्ट्रेस रुबीना दिलक ने प्यारी सी तस्वीर शेयर कर अनाउंस किया है कि उनकी ट्विंस बेबीज की डिलीवरी हो चुकी है। जी हाँ, रुबीना दिलक और अभिनव शुक्ला दो बेटियों की माता पिता बन चुके हैं। प्यारी सी तस्वीरें शेयर कर इस खुशखबरी को देने के बाद से ही फैंस लेकर सेलिब्रिटीज कमेंट्स के जरिए ढेर सारी शुभकामनाएं दे रही है। यहां तक कि रुबीना ने ये प्यारी सी तस्वीरें शेयर कर अपनी दो बेटियों का नाम भी रिवील किया है। कपल ने अपनी बेटियों का नाम रखा है जीवा और ईधा। इसी के साथ आपको बता दें कि रुबीना दिलक ने ये भी बताया है कि उनकी डिलीवरी एक महीने पहले ही हो चुकी थी। उन्होंने इतने वक्त तक अपनी डिलीवरी को छुपा कर रखा था। इन सारी तस्वीरों को शेयर करते हुए रुबीना दिलक ने कैप्शन में लिखा था, एक्साइटेड एंड एक्सट्रीमली हैप्पी टू शेयर दैट आवर डॉटर्स जीवा एंड ईधा आर 1 month ओल्ड टुडे। यूनिवर्स ब्लेस्ड अस ऑन द ऑस्पिशियस डे ऑफ गुरपुरब। सेंड इन योर विशेस फॉर आवर एंजल्स। फिलहाल आप लोगों को रुबीना दिलक की द्वारा शेयर की गई प्यारी सी फैमिली तस्वीर कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल हम भी रुबीना और अभिनव शुक्ला को उनकी जिंदगी की नई शुरुआत के लिए ढेर सारे शुभकामनाएं देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेलीविजन दुनिया की छोटी बड़ी न्यूज के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो कॉमेंट लाइक जरूर करना। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में।